लोगों की मतदान का प्रतिशत आया है वो कितना है। तो मतदान का प्रतिशत हम आपको बता दें, शाहजहांपुर में 5.94% अब तक मतदान दर्ज किया गया है। वहीं पर खीरी की बात की जाए तो यहां पर 12.21% मतदान दर्ज किया है। सुबह 9 बजे का मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं धौरहरा में 13.96% मतदान दर्ज किया गया है, क्योंकि आप ही सुबह सुबह का वक्त है, लोग निकल रहे हैं। सीतापुर में 14.28% मतदान दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरदोई की बात करते हैं। 13.17% मतदान यहाँ पर हुआ है, मतदान प्रतिशत भी लगातार आपको बताते रहेंगे। उमेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उमेश का रुख करते हैं। उमेश कहाँ पर, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए तस्वीर और दिखाइए कि कितने उत्साहित हैं मतदाता। मतदान फीसदी काफी कम दिख रहा है इस बार और मतदान प्रतिशत पिछले 3 चरणों का भी कुछ ऐसा ही दिखा है, लेकिन आज का मतदान प्रतिशत क्या अंदाजा लग रहा है आपको? जी देखिए, लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 बजे तक 12.21% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है और यहां पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। रिमझिम फुहारें भी पड़ी, कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई, लेकिन मतदाता घरों से निकल रहा है और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त निघासन में मौजूद है, यहां अजय मिश्र टेनी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां लाइंस लगी हुई है, कतारें लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आप क्या कहेंगे, मतदान करने के लिए आप आए हैं, क्या सोच करके आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र को कैसा आप देखते हैं, लखीमपुर खीरी में क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में जरा बताएं। हम भैया कुछ भी बताए नहीं, कहाँ क्षेत्र में बताए, आप बताइए दादा, आप क्या कहेंगे, वोट डालने के लिए आए हैं, युवा हैं और क्या मुद्दे हैं, किन इश्यूज को लेकर के आप वोट डालने के लिए आए हैं? विकास का मुद्दा सबसे अहम है और सभी एक सुर में विकास के मुद्दे की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दादा क्या कहेंगे, कई चुनाव आपने देखे होंगे, यहाँ से जो फाइट आप देख रहे हैं, अजय मिश्र टेनी जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अंशिक कालरा उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए? ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका लखीमपुर और कैसा है? ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास का ही मुद्दा है। आप युवा है, क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, सपनों का लखीमपुर खीरी कैसा होना चाहिए? नेता का चुनाव करूंगा और जो है भ्रष्ट। और यहाँ पर परसेंटेज भी हमारे पास आ गया है, मिश्रिक में 38.82% मतदान, कानपुर में 33.79% मतदान, ये बड़ी खबर। अकबरपुर सीट पर 38.2% मतदान, उन्नाव में 38.6% मतदान, कन्नौज में 43.14% मतदान, शाहजहांपुर में 36.38%, मिश्रिक में 38.82%, कानपुर में 33.79%, अकबरपुर सीट पर 38.2% मतदान, उन्नाव में 38.60% मतदान, कन्नौज में 43.14% मतदान। ये अब तक के पोल परसेंटेज को हम आपको बता रहे हैं, कितने फीसद मतदान हो चुका है मिश्रिक में, कानपुर में, कन्नौज में, अकबरपुर में, ये यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मनीष शुक्ला जी के पास चल रहा हूं। मनीष जी, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 3 चरणों में पोल परसेंटेज जिस तरीके से सामने आया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तरह से उसका आकलन कर रही हैं। चौथे चरण में अब तक का जो पोल परसेंटेज आया है, जिसको मैं लगातार बता भी रहा था अभी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पोल परसेंटेज को? देखिए, दरअसल आपको ध्यान में होगा कि जब पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ तब तक इंडी गठबंधन का गठबंधन ही पूरी तरह से सही नहीं हो पाया था, दोनों लोगों की रैली साथ नहीं हो पाई थी, इस तरीके से सीट दर सीट टिकट बदले जा रहे हैं, उससे जब नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं है इंडी गठबंधन के, तो उनके मतदाताओं में हताशा है। चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी बूथ तक वोट पड़े इसके लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष का मतदाता है वो हताशा निराशा में निकल नहीं रहा है, इसके नाते से उत्तर प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है, और जहां सरकारें हैं विपक्ष की बंगाल में और तमाम जगहों पर, वहां पोलिंग परसेंटेज देखिए बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि वहां जिस तरीके से अन्याय अत्याचार है
उसके खिलाफ वहां जनता निकल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, आज जिस तरीके से अब तक का पोल परसेंटेज आया है, मैं चाहूंगा कि पहले आप उस पर एक बात कहें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी अभी समय बचा हुआ तकरीबन 3.5 घंटे का, तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की निराशा भरी सरकार, वही घिसे पिटे बयान, वही घिसे पिटी गारंटी, वही घिसे पिटे स्टेटमेंट, वही घिसे पिटे नेता, लोग इसे आजीज आ गए हैं। जो युवा 2014 में 18 वर्ष का था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी युवाओं के लिए, आज वो 28 साल का हो गया। जब आप 18 से 28 साल में पहुंच जाते हैं तब आपको जीवन की हकीकत से रूबरू होना पड़ता है, बहुत सारी जरूरतें आपके बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो आपको एक बार जीवन को सही से देखने का अवसर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के दर्शन कराए उसमें, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के आप देख लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी नेता है भारतीय जनता पार्टी में एकदम बिल्कुल जाके गोदाम की तरह बैठे हुए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नीति होती, नियति होती, तो बाहर के नेताओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती, इतना प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का हताश होना स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में चारों खाने चित हो जाना निश्चित रूप है। अभी 6 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसमें चुनाव लड़े, उसे खाली हिंदू मुसलमान करना है, उसे खाली कुछ और बातें करनी है। अगर आप इनसे पूछिए कि आपने किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं करी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। अगर इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 10-10 पर्चे लीक हुए जिसमें 60-60 लाख युवाओं के भविष्य, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी आपने सारे महत्वपूर्ण बातें मैं जाहिर तौर पर चर्चा केंद्र बिंदु में सारी चीजों को लाऊंगा, लेकिन सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास चलते हैं। सौरभ जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रचार भी लगातार चल रहा है बाकी चरणों के लिए और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन है और उससे पहले आज काशी में बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, काफी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर शुरू होगा। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का काशी में आज का रोड शो? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है इसलिए महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है, सभी लोगों की निगाहें आज जो है बनारस पर रहेंगी रोड शो पे, कल उनका नामांकन भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिर्फ उनका रोड शो और जो इस प्रकार की रैलियां हैं वो आप सिर्फ अपने क्षेत्र में जब उनका समय आया है तब यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो लगातार जहां जहां पर चुनाव हैं लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के अगर वो स्टार प्रचारक हैं तो स्टार प्रचारक की भूमिका में पूरी पार्टी के लिए हर जगह पर आज, बल्कि सिर्फ बनारस के लिए नहीं, वो पहले भी आपने देखा होगा लगातार। और आज जब बनारस की हम बात करते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो पूरा मोदीमय हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता, जिस प्रकार से वहां की जनता, जिस प्रकार से वहां के चप्पे चप्पे पर लोग जो ठेले वाले, रिक्शे वाले, अभी तो मैं बनारस होकर के आया, मतलब लोगों को एक ही जुबान में कहते हैं कि भैया किसको वोट, किस चीज पर वोट देंगे, कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हमारे जो बनारस है, हमारे क्षेत्र का जो विकास जो है जिस स्तर से हुआ वो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया था। जिस प्रकार से वहां सड़कों का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का अच्छा जो है योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से वहां पर सख्त व्यवस्था है, जिस प्रकार से घाटों का, सबसे बड़ा मंदिरों का जिस प्रकार से अच्छे तरीके से नवीनीकरण किया गया, तो यह भारत, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो अयोध्या आप देखते हैं, काशी देखते हैं, इलाहाबाद, बनारस, ये पूरे सब धार्मिक क्षेत्र हैं और धार्मिक क्षेत्रों में जो असुविधाएं होती थी प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा वरीयता उन घाटों को दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सौरभ जी रखी है। मनीष शुक्ला मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लगातार बने हुए हैं। मनीष भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर आपकी पार्टी ने, संगठन ने, तमाम लोगों ने कई दिनों से तैयारियां की हैं और जाहिर तौर पर अब से कुछ घंटों के बाद वो रोड शो होना है, क्या लगता है आपको ये रोड शो कितना कार्यकर्ताओं के मनोबल को और बढ़ा पाएगा और आम लोगों में कितना मैसेज दे पाएगा वोट को लेकर के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री है लेकिन काशी के लिए अब उनके लाडले सांसद हैं। काशी का पूरा उन्होंने स्वरूप बदला है। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है और उनके रोड शो, उनकी रैलियों और उनके तमाम जो कार्यक्रम चुनाव को लेकर होते हैं निश्चित रूप से केवल कार्यकर्ताओं को ही नहीं इंस्पायर करते हैं बल्कि आम जनता के भी दिलों में वो स्थान बनाते हैं। उनके बयान, उनकी बातें, उनके
जो मिलने का उनका तरीका है, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आम मतदाताओं से मिलते हैं, इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं और तमाम दलों में उनके सर्वोच्च नेता है, लेकिन देखिए उनका किस तरीके से जनता से मिलने का तरीका है और प्रधानमंत्री जी का इतना सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद भी जनता के पास जब जाते हैं तो पुराने नरेंद्र मोदी जी की तरह सबसे मिलते हैं। तो काशी की जनता उनको अपने लाडले सांसद का इंतजार कर रही है। काशी की जनता ने यह तय किया है कि पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है, क्योंकि केवल काशी का तो स्वरूप बदला ही, पूरे देश का स्वरूप बदला है। काशी के 100 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हुआ है। ये जो सड़क थी बनारस से लखनऊ, उसके क्या हाल थे, जो बनारस से लेके गाजीपुर, जो बनारस से लेके प्रयागराज की जो सड़कें थी उनके क्या हाल थे, जो प्रयाग जो वाराणसी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया, केवल धार्मिक दृष्टि से ही न देखिए तो आर्थिक रूप से उसका आज क्या योगदान है।